इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू, और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है, और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। अब तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है।